प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट हाउसकीपिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। हाउसकीपिंग इट इज एन एसेंशियल प्रेफरियल मेन एक्टिविटी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में ये हाउसकीपिंग जो है ये एसेंशियल प्रेफरेंशियल एक्टिविटी है या मेन एक्टिविटी होती है। सबसे पहले जब आप ट्रेनिंग करने जाते हैं 24 वर्किंग डेज की, तो उसके पहले 2 दिन हाउसकीपिंग में आपको ध्यान देना चाहिए। हाउसकीपिंग से न केवल एनवायरनमेंट अच्छा होता है, वहाँ रिलेशन भी अच्छे बनेंगे और आप जिस जगह आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ट्रेनिंग भी साफ सुथरी हो जाएगी। हाउसकीपिंग प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इवन हमारे घरों में भी हाउसकीपिंग रहता है। हमारी जो किचन है उसमें भी हाउसकीपिंग जरूरी है, हम जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में भी हाउसकीपिंग जरूरी है। तो हाउसकीपिंग ऐसी चीज है, इट इज़ एन एसेंशियल प्रेफरेंशियल एक्टिविटी, बहुत जरूरी और मेन एक्टिविटी है जिसके द्वारा कि हम अच्छे से ट्रेनिंग ले सकते हैं, अच्छे से कार्य कर सकते हैं और अच्छे सा किसी चीज़ को बना भी सकते हैं। इट इज़ ए साइंटिफिक मेथड, ये एक साइंटिफिक मेथड है टू अपकीप एवरी आइटम रिसोर्सेज नीट एंड क्लीन। ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसके द्वारा हम किस प्रत्येक आइटम को या रिसोर्सेज को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, उसे साफ और स्वच्छ रख सकते हैं यदि हम हाउसकीपिंग को फॉलो करते हैं। हेल्दी स्वस्थ इन्वायरमेंट रहेगा, हाइजीनिक ऑर्गेनाइज्ड स्वच्छ ऑर्गेनाइज रहेगा, स्वच्छता से स्वच्छ रहेगा, ऑर्डरली रहेगा, व्यवस्थित रहेगी, ये सब चीज़ें सेफली रहेगी, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा या कोई टूट फूट नहीं होगी एंड पॉल्यूशन फ्री, और इसके अलावा प्रदूषण फ्री भी रहेगा, सो दैट इट इज़ हेल्पफुल टू अपकीप द प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है यदि हाउसकीपिंग अच्छे से किया हुआ है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी से हाउसकीपिंग की हुई है, साफ सफाई की हुई है या अच्छा सा मेंटेन किया हुआ है, तो नेचुरली वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यदि हम इसी तरह से किचन में भी अच्छे से साफ सफाई रखते हैं या अच्छे से उस सभी चीज़ों को व्यवस्थित रखते हैं, या जिस कमरे में हम रहते हैं उस कमरे में भी यदि अच्छे से हम सब सामानों को व्यवस्थित रखते हैं, तो हमें उन सामानों को पिकअप करने में, उन्हें यूज़ करने में आसानी रहती है और हमारे जो वर्क है उसमें भी निखार आता है, उसमें भी हमें इजीली हम किसी काम कार्य को कर सकते हैं। तो यदि ऑर्गेनाइजेशन में हाउसकीपिंग अच्छे से की हुई है तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट के बढ़ने से वहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनकी भी उनको भी जो ट्रेनीज हैं उनको यदि स्टाइफंड मिलता है तो उनको स्टाइफंड भी ज़्यादा मिलेगा, वर्कर जो है वहाँ पर वर्कर को सैलरी बढ़ेगी, उनको बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्टिव हाउसकीपिंग का जो प्रोडक्टिविटी है उससे डायरेक्ट रिलेशन है। इसके अलावा हाउसकीपिंग से सेफ्टी बनी रहती है, जैसे ऑयल फैला हुआ है और यदि हम सही समय पर उसकी सफाई कर देते हैं या ऑयल को नहीं फैलने देते, या ऐसी जगह मतलब इनफ्लेमेबल मटेरियल्स करते हैं जहाँ पर कि फायर लगने के चांसेस हो, तो वहाँ सेफ्टी बनी रहती है, और सेफ्टी रहेगी तो वर्क भी ब्रेक डाउन नहीं होगा, एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय वर्च्यू ऑफ विच इंक्रीज इन ऑल आवर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेफ्टी रखते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी आती है, सर्विसेज की जो क्वालिटी रहती है, तो इनसे क्या होगा कि ऑल ओवर परफॉर्मेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ती है, और ऑल ओवर परफॉर्मेंस बनने से वहाँ पर वो इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट में जाती है। अब ये जो हाउसकीपिंग है, हाउसकीपिंग के वर्ड हैं HOUSEKEEPING। अब इनके वर्ड्स का हम एक एक वर्ड्स को लेते हुए देखते हैं कि ये क्या स्टैंड करते हैं। H फॉर हेल्दी और हाइजेनिक, H स्टैंड करता है हेल्दी और हाइजेनिक।
कि स्वस्थ और स्वच्छ। यदि हम स्वयं भी स्वस्थ और स्वच्छ रहेंगे और जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं उस जगह को भी स्वस्थ और स्वच्छ रखेंगे तो हमारी ट्रेनिंग भी अच्छी होगी और वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्डरली। सामानों को ऑर्गेनाइज रखते हैं, ऑर्डर वे में रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, तो क्या होगा कि कोई भी ये सामान हमें चाहिए तो हम फौरन उसको पिकअप कर सकते हैं, उनके एक्सीडेंट चांस नहीं होंगे। किसी चीज़ के को यदि अव्यवस्थित रखें तो वहाँ पर हमें काम करने में भी दिक्कत आएगी, ट्रेनिंग लेने में दिक्कत आएगी। तो ऑर्गेनाइज वे में रखना और ऑर्डर वे में रखना ये ज़रूरी है। फिर है यू, आपकी प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छी हाउसकीपिंग यदि है तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, क्वालिटी बढ़ाती है। जो जॉब बन के आ रहा है उसकी क्वालिटी होगी, क्वालिटी होगी तो वो रिजेक्शन कम होंगे, रिजेक्शन कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। प्रॉफिट बढ़ता है तो इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ता है। देन एस फॉर सेफ्टी, सेफली, सेफ्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। एस स्टैंड करता है सेफली के लिए, कि कोई भी हम सेफ हैं, सेफली वर्क कर रहे हैं, सेफ्टी रहती है, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, सेफ्टी बनी रहती है। सेल्फ डिसिप्लिन में भी रहते हैं, हर एक ऑर्डर्स को हम फॉलो करते हैं, मैनेजर्स के द्वारा, ट्रेनिंग मैनेजर के द्वारा जो ऑर्डर दिए हुए हैं उनको भी हम फॉलो करते हैं, उनके डिसिप्लिन में रहते हैं, तो हमारी ट्रेनिंग भी अच्छी होगी और वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, हमारे रिलेशन भी अच्छे होंगे। कीप और कीप्स क्रिएटिव वर्क एनवायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन में वर्क एनवायरमेंट, जो कार्य का जो कल्चर है, वातावरण है, वो क्रिएटिव रहता है। अच्छी हाउसकीपिंग से ऑर्गेनाइजेशन में कार्य का जो वातावरण है वो अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। और जब कार्य अच्छा होता है तो उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा या जो सर्विसेज होगी वो भी अच्छी होगी, और जब सर्विसेज होगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहता है और प्रॉफिट बढ़ता है। तो यहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट, क्रिएटिव वर्क एनवायरनमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो तभी हो सकता है जब उसमें अच्छी हाउसकीपिंग है। ई फॉर इफेक्टिवनेस, हाउसकीपिंग इफेक्टिवनेस को इम्प्लाइज करती है। किसी भी चीज़ का जो वर्क कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है, कितना इफेक्ट डालती है हमारी परफॉर्मेंस पर, हमारे सोच पर, हमारे सोचने पर, हमारे कार्य करने पर या हमारी स्किलनेस पर। हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उस ट्रेनिंग को इफेक्टिव बनाना वो हाउसकीपिंग का रोल है। यदि हम हाउसकीपिंग अच्छे से करके रहेंगे तो जो ट्रेनिंग हम लेंगे वो ट्रेनिंग भी इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। गुड हाउसकीपिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। यदि आपने वहाँ पर व्यवस्थित रखा हुआ है, किसी तरह की गंदगी नहीं फैली हुई है, साफ सफाई रखी हुई है, सभी चीज़ को व्यवस्थित किया हुआ है, तो नेचुरली जो काम करेंगे, जो जॉब बनेगा या जो सर्विसेज होगी उसकी एफिशिएंसी आएगी उसमें, और जब एफिशिएंसी आती है तो प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि उसमें वर्क आवर्स कम हो जाते हैं, प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, हमारे जो वर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हाउसकीपिंग से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। फिर पी इज द पॉल्यूशन फ्री, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री रहता है। यदि अच्छी हाउसकीपिंग रखते हैं तो पॉल्यूशन फ्री होगा। जैसे एक ऑयल फैल गया, ऑयल को हमने प्रॉपर वे में साफ कर दिया, कहीं पर कुछ सामान गंदा पड़ा हुआ है उसको हटा दिया तो उससे जो स्मेल्स है वो नहीं फैलेगी। वहाँ पर चीज़ों को सही तरह से व्यवस्थित करके रख दिया, या जो सर्विसेज
का है, तो वहाँ पर जो सर्विसेज है उनको सही तरह से व्यवस्थित किया, तो वहाँ के जगह को साफ सफाई से रखना और व्यवस्थित करके रखना, ये पॉल्यूशन फ्री के लिए ज़रूरी है। तो पी स्टैंड करता है पॉल्यूशन फ्री के लिए। हाउसकीपिंग का जो पी है वो बताता है कि हमें इन्वायरमेंट को, यहाँ पे वहाँ के वातावरण को, जो ट्रेनिंग का वातावरण है उसको पॉल्यूशन फ्री रखना है। आई फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन हमें अच्छे बना के रखने हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जहाँ पर भी आप किसी वर्कर से बात करते हों या मैनेजमेंट स्टाफ से बात करते हैं या उनसे बिहेव कर, उनके जो बिहेवियर, उनके प्रति बिहेवियर है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। हम वहाँ पर जो हमारे किस कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे कि वहाँ पर विपरीत प्रभाव पड़े। हमारे को वहाँ के लोगों से अच्छे रिलेशन बना कर रखेंगे हम। यदि हम उनसे इंडस्ट्री के लोगों से अच्छे रिलेशन बना कर रखेंगे तो हमारे किसी प्रॉब्लम्स को यदि हम उनसे पूछते हैं तो वो अच्छे से हमको समझाएंगे, बताएंगे, जगह हमें समझाएंगे अच्छे से कि ये कैसे वर्क करता है, ये क्या काम करता है। किसी मशीन के बारे में यदि आप पूछते हैं, उसके वर्किंग के बारे में पूछते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछते हैं, उस वर्क जो हो रहा है वर्क के बारे में यदि पूछते हैं, और तो वहाँ पर यदि आपने उनसे रिलेशन अच्छे बना रखे हैं तो वो आपको अच्छे से समझेंगे, आपके लिए टाइम देंगे। अदरवाइज़ वहाँ पर ऑलरेडी इतना वर्कलोड होता है कि वो अपने वर्क में ही लगे रहते हैं, और यदि आपने उनके प्रति यदि आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो वो आपके पूछने पर भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से वहाँ पर जो वर्कर हैं, जहाँ पर हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनसे रिलेशन अच्छे बना करके रखते हैं। इंडस्ट्रियल में यदि आपस में रिलेशन उनके इंडस्ट्री वालों के भी अच्छे होते हैं तो उसमें प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज़ होने से प्रॉफिट बढ़ता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन से कोऑर्डिनेशन बनता है, एक दूसरे के प्रति काम करने की जो वर्क कल्चर है वो बढ़ता है, और इसमें कोऑर्डिनेशन से इंक्रीज़ होने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए। तो प्रोडक्ट हाउसकीपिंग के द्वारा हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को अच्छे बना सकते हैं। देन एंड फॉर नीट एंड क्लीन, जिस जगह पर हम ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ पर वो नीट एंड क्लीन, स्वच्छ और साफ होनी चाहिए, किसी तरह की गंदगी नहीं फैली हुई हो, सभी जगह व्यवस्थित हो, कहीं पर कोई क्लस्टर नहीं बने हुए हों, कहीं कबाड़ नहीं हो, कोई मशीन जंग नहीं खा रखी हो, कोई ऐसी चीज़ है जो उनको हम मशीनों को प्रॉपर लुब्रिकेट करके रखें, साफ करके रखें, बुरस्ते हम साफ करें, और जहाँ तक उनको नीट वे में रखें। हमारे वर्क को भी हमें नीट रखना चाहिए, नोट जो हम जो नोट करते हैं उन नोट करने वाली नोटबुक में को में भी सफाई से हम इन चीज़ों को नोट करें कि क्या क्या हम ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके बारे में अच्छे से नोट बनाएं, ताकि उन्हें जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ट्रेनिंग रिपोर्ट तैयार करते हों तो ट्रेनिंग रिपोर्ट जब हम तैयार करेंगे तो हमें वो बेनिफिशियल है, हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमने क्या क्या ट्रेनिंग में सीखा है। तो यदि आपने नीट एंड क्लीन वे में उनको नोट किया है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने क्या वहाँ पर सीखा था, और ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाते वक्त आप उसको बखूबी अच्छे से लिख सकते हैं या अच्छे से आपकी ट्रेनिंग रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो नीट एंड क्लीन का भी बहुत महत्व है। आप जाएँ तो अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएँ, नीट एंड क्लीन रहें, वहाँ की जगह को भी आप नीट एंड क्लीन रखें, मशीन जिस पर आप काम कर रहे हैं उसको भी नीट एंड क्लीन रखें, वहाँ की जगह को भी नीट एंड क्लीन रखें, यह बहुत ज़रूरी है। ना जी स्टैंड फॉर गुड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यदि अच्छी हाउसकीपिंग होती है, अच्छे से हाउसकीपिंग रखी होती है, तो वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ की जो सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज की या प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि सभी चीज़ सभी लोग अच्छा प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, अच्छी सर्विसेज को लेना चाहते हैं। तो यदि हाउसकीपिंग आपकी अच्छी है तो नेचुरली प्रोडक्ट भी आपका अच्छा होगा और सर्विसेज भी अच्छी होगी। तो जब प्रोडक्ट अच्छा होगा और सर्विसेज अच्छी होगी तो उनकी नेचुरल डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने का मतलब होगा कि प्रॉफिट बढ़ना, और प्रॉफिट बढ़ने का मतलब है कि सभी की सैलरी में राइज आना। फॉर सर्विसेज एंड सोसाइटी टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, सर्विस और सोसाइटी के लिए टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हाउसकीपिंग जरूरी है। क्वालिटी बनाए रखना जरूरी है, हाउसकीपिंग के द्वारा क्वालिटी रहती है, सेफ्टी रहती है,
इन ऑल वर्क परफॉर्मेंस, प्रत्येक सभी वर्क परफॉर्मेंस में, सभी कार्य में ये चीज इंक्रीज होती है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी, अब कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, वो कैसी होनी चाहिए? क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, स्वस्थ एनवायरनमेंट होना चाहिए, वहाँ पे सेफ होना चाहिए, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हो, किसी तरह की किसी की कोई दिक्कत नहीं आए, ऑर्डरली वे में होनी चाहिए, सभी चीज़ व्यवस्थित बनी हुई हो एंड पॉल्यूशन फ्री, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। द एलिमिनेशन ऑफ इनएफिशिएंसीज एंड एक्सीडेंट्स हजार्ड्स कॉज्ड बाई अनफेवरेबल कंडीशंस इन एंड अबाउट द वर्क प्लेस इज एसेंशियल इन गेटिंग द जॉब डन प्रॉपरली एंड सेफली। जॉब को प्रॉपरली और सेफली करने के लिए हमें क्या करना है? इलिमिनेशन ऑफ इनएफिशिएंसीज, इनएफिशिएंसीज को, अदक्षता को कम करना है, एक्सीडेंट्स हजार्ड्स जो हैं उनको कम करना है, जिनके द्वारा एक्सीडेंट हो सकता है उनको कम करना है, कास्ट बाई अनफेवरेबल कंडीशन, जो अनफेवरेबल कंडीशन हैं उनको हटाना है, इन एंड अबाउट द वर्क प्लेस इज एसेंशियल, वर्क प्लेस के अंदर और उसके ऊपर जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर इनएफिशिएंसीज एक्सीडेंट्स कम से कम हो, इनएफिशिएंसी नहीं रहे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि हम प्रॉपरली और सेफली कार्य कर सकें और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। इट रिक्वायर्स ऑर्डरली कंडीशंस, ये क्या, इट रिक्वायर्स ऑर्डरली कंडीशन, ये कंडीशंस को व्यवस्थित करती है, ये चाहते हैं इसके द्वारा हम व्यवस्थित कर सकते हैं कंडीशंस को। द अवॉइडेंस ऑफ कंगेशंस मतलब जैसे क्लस्टर्स बन गए या इकट्ठे हो गए चीज़ें, उनसे अड़चन आ रही है तो उनको अवॉइड करना है, उसमें इकट्ठी चीज़ें को एक जैसे पाइल्स लग जाते हैं, ढेर लग जाते हैं, उनको ढेर नहीं लगाने हैं। एंड अटेंशन टू सच डिटेल्स एज एन ऑर्डरली लेआउट ऑफ द होल वर्क प्लेस, तो जो पूरा वर्क प्लेस है उसको ऑर्डरली वे, उसका लेआउट जो है वो ऑर्डर वे में रहे, वहाँ पर जो सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से जमी रहे ताकि वो गिरे नहीं, यदि हम उनको व्यवस्थित रखेंगे तो वो गिरेगी नहीं, और लेआउट उसका प्रॉपर होना चाहिए जब जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं। एंड मार्किंग ऑफ एसेल्स, एसेल्स की मार्किंग करके एडिक्वेट स्टोरेज, स्टोरेज एडिक्वेट होना चाहिए, स्टोरेज का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कितना स्टोरेज है और कितना हमें और चाहिए, तो यदि हाउसकीपिंग हम अच्छे से करते हैं, व्यवस्थित रखते हैं तो हमें एडिक्वेट स्टोरेज रहेगा और अरेंजमेंट्स होगा, एडिक्वेट स्टोरेज अरेंजमेंट्स, तो जो सभी चीज़ें व्यवस्थित वे में होगी। एंड सूटेबल प्रोविजंस फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, और यहाँ पर मेंटेनेंस अच्छी होगी, क्लीनिंग अच्छी होगी, प्रॉपर हाउसकीपिंग से सूटेबल प्रोविजंस फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, तो इस तरह से अच्छी हाउसकीपिंग यदि हम रखते हैं तो उससे क्लीनिंग रहती है, मेंटेनेंस भी अच्छी होती है और वहाँ के ऑल ओवर वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से उस ऑर्गेनाइजेशन का या इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है, प्रॉफिट में जाती है, और जब प्रॉफिट में जाती है तो सभी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। अब इसमें रेफरेंस है HMT अजमेर। थैंक यू।